तो ये हम लोग आज पढ़ रहे हैं मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में जो है इनिशियली जो है कितना था, 8 ग्रुप था, 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 8 हम इधर दिखाया, ठीक है ना। बाद में 0 ग्रुप ऐड किया गया, पहले नहीं था, जब बना था ओरिजिनली उसमें 0 ग्रुप नहीं था, समझ गया। क्योंकि जब ये पीरियोडिक टेबल बना था उसमें इनर्ट गैस का कोई आइडिया था ही, समझ गया, तो इसलिए उसमें कोई 0 ग्रुप नहीं था। बाद में जब इनर्ट गैस आया तो उसका बैलेंसी 0 हो गया, तो इसलिए उसके लिए 0 ग्रुप बना दिया गया। बैलेंसी अगर 1 है तो ग्रुप 1, बैलेंसी अगर 2 है तो ग्रुप 2, बैलेंसी 3 है तो ग्रुप 3, इसी तरह से करते करते ग्रुप 7 आया, मतलब बैलेंसी 7 है, और फिर ये बैलेंसी 8 है। 8 जो होता है सबसे बड़ा ग्रुप में, इसमें अंदर में 3 ग्रुप और है ना, 3 ग्रुप 3 चलेगा, समझ गया। इसमें ए बी का क्लासिफिकेशन नहीं है, ग्रुप 1 को देखो ए और बी में क्लासिफाई किया गया, ग्रुप 2 को ए और बी में, सबको 7 तक ए एंड बी में क्लासिफाई, ये सब ग्रुप हो गया। ग्रुप कितना हो गया 8, और सब में सब ग्रुप कितना है 7 तक, 2 सब ग्रुप, 8 में कोई सब ग्रुप नहीं है, 0 में भी कोई सब ग्रुप नहीं है, आई बात सुन में क्लियर। अब बैलेंसी क्या डिसाइड किया, क्योंकि उस समय कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट नहीं था, ना ही इनर्ट गैस सामने आया, ये बैलेंसी डिसाइड किया। लेकिन ये इतना समझ में आ गया था, जिसका जिसका बैलेंसी सेम होता है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहता है, तो इस बेसिस पर वो ग्रुप बना दिए कि एक ग्रुप में जो आएगा सबका बैलेंसी सेम होगा, देयरफॉर सेम केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। सिंस इट हैज सेम बैलेंसी दैट्स व्हाई इट विल हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, क्लियर। तो कैसे डिसाइड किया गया, तो क्या बताया था कि एक जनरल फॉर्मूला लेंगे RH और दूसरा ले लेंगे हम लोग R2O। R का मतलब एलिमेंट है, R का मतलब क्या हो गया, कोई भी एलिमेंट, समझ गए, और हाइड्रोजन का मतलब समझ ही रहे हो। तो आर एच अगर है तो एच का वैलेंसी कितना होता है 1, तो आर का भी वैलेंसी 1 होगा, होगा ना। इसका एग्जांपल हम लोग कल बताए थे ना, पोटेशियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड है कि नहीं, हाँ, लिथियम हाइड्राइड, उसका भी वैलेंसी 1 है, सब वही होगा, ये सब एग्जांपल हुआ, वो सब इसी में आता है, ग्रुप 1 में आता है ना ये सर। तो इससे 1 दूसरा चीज, हम पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एंड लिथियम ऑक्साइड बैलेंसी सब में, यहाँ पोटेशियम का 1 हुआ कि नहीं, हाँ, ऑक्सीजन का 2 है, इस पर -2 हुआ, इस पर +2 होगा कि नहीं, -2 प्लस 2, तो यहाँ पर -2 अकेले है एक पर, और +2 दो पोटेशियम पर है, तो एक पर +1 हुआ कि नहीं, तो सबका बैलेंसी 1 हुआ, हाँ। अब देखो इसमें क्या है, ये ऐसे लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है, और नीचे जाएंगे तो उसको पीरियड इंडिकेट करेगा। पीरियड मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर रिपीटेशन होगा, प्रॉपर्टी सेम ग्रुप में ही ना रिपीटेशन होगा, तो जैसे ये पीरियड नंबर 1, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन को लिखे, ठीक है, हाइड्रोजन लिखा गया, उसके बाद आगे बढ़ते गए, इसमें कहीं भी रखने का जगह नहीं, मतलब जो भी एलिमेंट आया जिसका बैलेंसी 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, बैलेंसी तो मिल रहा है, लेकिन ये सबसे किसी से प्रॉपर्टी उसका मिला नहीं। तो हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट आ गया लिथियम, हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट आया हमारा लिथियम, जिसका बैलेंसी 1 है, यहाँ रख दिया, ठीक है, आया समझ में। लिथियम के बाद आया बेरिलियम, जिसका बैलेंसी 2 है, ठीक है, 1 बैलेंसी समझ में आ गया, लिथियम हो गया। उसके बाद आएगा सोडियम, आएगा ना, उसके बाद आएगा पोटेशियम,
ठीक है। और पोटेशियम जहां आता है इसके बगल में यहाँ आएगा कॉपर, इसका भी बैलेंस ही वन, इसका भी बैलेंस ही वन, कॉपर का भी बैलेंस ही वन और पोटेशियम का भी बैलेंस ही वन है। बैलेंस ही तो वन है दोनों का, लेकिन दोनों में सिमिलैरिटी नहीं है, क्योंकि दोनों का बैलेंस ही वन है तो ग्रुप वन में रखना है, ठीक है। आई बात समझ में, क्योंकि बैलेंस ही वन है कॉपर का, कॉपर का कोई कंपाउंड जिसका बैलेंस ही वन है, याद है नहीं याद है, टेंथ में बताया नहीं याद है, ब्लैक कलर का कंपाउंड है Cu2O, यहाँ लिखा हुआ है R2O, तो दिमाग नहीं लगा सकता है, Cu2O ट्यूबरस ऑक्साइड, समझ गए, ब्लैक कलर का होता है। तो दोनों का बैलेंसी वन है लेकिन दोनों सेम नहीं है, नया समस्या आ गई, बैलेंसी सेम है फिर भी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, ठीक है ना। बहुत कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट है, सारा प्रॉपर्टी सेम नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसमें। तब क्या कहा गया कि ग्रुप के अंदर भी हम सब ग्रुप बनाएंगे, अगर बैलेंसी सेम है और दो ग्रुप नजर आ रहा है, थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, हम उसको सब ग्रुप कर देते, इसलिए ये लेफ्ट साइड में ये सब आ रहा है, ये सब का प्रॉपर्टी मिल रहा है। ये हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन को छोड़ दो इसकी दुनिया में किसी में नहीं मिलता, ठीक है ना, हाँ ये यूनिक चीज़ है, इसके जैसा कोई नहीं, ठीक है। लिथियम सोडियम पोटेशियम ये सब का प्रॉपर्टी मिल रहा है, ये सब हो गया ग्रुप ए वन ए, ये क्या हो गया ग्रुप वन ए, ग्रुप वन ए, और इधर जो आएगा ये ग्रुप टू वन वन बी, ये क्या होगा ग्रुप वन बी, ठीक है। उसी तरह से जब आगे बढ़ोगे तो आएगा रुबिडियम, और इधर आ जाएगा सिल्वर, ठीक है। ये फोर्थ पीरियड हो गया, जैसे जैसे नया रो आते जा गया बढ़ते गया, पीरियड बढ़ते गया, समझ गया। फिर आता है सीसीएफ, सीएफ, ठीक है, और इधर आ गया गोल्ड, हो गया पांच, अरे दो बार वन वन लिख, सोच रहे घट कैसे रहा है, घट कैसे गया भाई, ठीक है। और ये सेवंथ पीरियड लास्ट एलिमेंट आ रहा है फ्रेंसियम, समझ में आ गया बात, ये ग्रुप वन कंप्लीट हो गया, ये जो है ग्रुप वन कंप्लीट, ठीक है ना। वो जो बनाए थे कितना एलिमेंट को रखे थे, ये हो गया ग्रुप वन बी, ये हो गया ग्रुप वन बी, जो राइट साइड में लिखा हुआ है वो ग्रुप, यहाँ यह जगह खाली है, समझ गया, उनके समय में डिस्कवर नहीं हुआ था यहाँ और यहाँ, इसलिए खाली है, समझ गया। तो ये हो गया हमारा ग्रुप वन बी, ये हो गया ग्रुप वन ए, ठीक है। बैलेंसी इसका भी वन है और इसका भी वन है, लेकिन दोनों में सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों में सिमिलैरिटी नहीं है, इसीलिए ग्रुप वन को भी डिवाइड कर दिया गया दो सब ग्रुप में, ठीक है, क्योंकि दो सेट मिल गया, एक सेट ये मिल गया, दूसरा सेट ये मिल गया, दोनों ही सेट का प्रॉपर्टी डिफरेंट है लेकिन बैलेंस ही दोनों का सेम है, इसलिए क्लासीफाई कर दिया गया ए एंड बी, ये हो गया ग्रुप वन ए, ये हो गया ग्रुप वन बी, ग्रुप वन बी, समझ में आ गया। और ये हो गया फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवन्थ पीरियड, समझ गए। तो मेंडेलीव जो पीरियोडिक टेबल बनाए थे उसमें ओरिजिनली जो था एक दो तीन चार आठ वो ग्रुप था, एट वर्टिकल कॉलम, कितना था, वन से शुरू होकर के एट पर एंड हो गया जो ओरिजिनल बनाए थे, बाद में जीरो ग्रुप एड हो गया तो नाइन ग्रुप हो गया,
बाद में जीरो ग्रुप जब ऐड हुआ तो नाइन ग्रुप हो गया, ओरिजिनली एट ग्रुप ही था, ठीक है। और फिर सब में सब ग्रुप था ए एंड बी, ठीक है। और पीरियड जो बनाए थे वो सिक्स तक गया था, बाद में सेवन एट ऐड हो गया था। ओरिजिनली जो बनाए थे वो सिक्स पीरियड तक गया था, जैसे जैसे बढ़ते गया नंबर ऑफ रोज पीरियड बढ़ते, ठीक है। तो अभी तक सेवन है और आज के डेट में भी सेवन, अभी सेवन पीरियड से आगे नहीं, ठीक है ना। हाँ आगे बात सुन रहे हैं। अब इसमें क्या है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम और इधर हो गया जिंक, ठीक है। इधर स्ट्रॉन्शियम और इधर हुआ कैडमियम, बेरियम, मर्करी, ठीक है। बाद लास्ट में हो गया बेरियम, ये ग्रुप टू का हो गया, समझ गए। ये सब का बैलेंस ही टू है, ये सब का बैलेंस ही टू है। तो ग्रुप वन का समझ गए कि कैसे बैलेंस ही निकला, हाँ। आप ग्रुप टू का देखो कैसे बैलेंस ही निकलता है। जनरल फॉर्मूला ग्रुप वन के लिए ये था आर एच और आर टू ओ, हाँ। अब क्या हो जाएगा, ग्रुप टू है ना, तो हो जाएगा आर एच टू आर ओ, आर क्या है एलिमेंट, समझ गए। एग्जांपल यही है BeH2 हाइड्रोजन का कितना हो गया, वैलेंसी वन होता है, हाँ। तो हाइड्रोजन के ऊपर कितना हो गया, दो हो गया, तो हाइड्रोजन है दो, तो अकेले इस पर प्लस टू चाहिए, वैलेंसी टू हुआ कि नहीं बेरिलियम का, अकेले प्लस टू है। दूसरा क्या है BeO, तो ये प्लस माइनस टू ये प्लस टू मिल गया ना। उसके बाद क्या है मैग्नीशियम MgH2 मैग्नीशियम हाइड्राइड, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना है, वन होता है, दो हाइड्रोजन है तो कितना हो गया माइनस टू, एक हाइड्रोजन पर माइनस वन तो दो हाइड्रोजन पर माइनस टू, अकेला मैग्नीशियम इसको बैलेंस करेगा न्यूट्रल बनाने के लिए तो इस पर प्लस टू। दूसरा मैग्नीशियम का कंपाउंड है मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि उस जमाने में हाइड्राइड और ऑक्साइड ही अवेलेबल था, अवेलेबल तो सब था लेकिन पता सिर्फ ऑक्साइड और हाइड्राइड के बारे में, हम लोग ऑक्साइड और हाइड्राइड से ही वैलेंसी कैलकुलेट किया गया था उस जमाने में। आगे बात समझ में है, तो MgO लिखे जिसका वैलेंसी कितना हो गया माइनस टू, अकेले ऑक्सीजन माइनस टू होता है, इस पर कितना आएगा प्लस टू, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना हुआ टू हुआ, इसीलिए ग्रुप टू में रखा गया है, ठीक है। जिंक को भी रखा गया तो ZnO जानते ही होता है जिंक ऑक्साइड, कितना बैलेंस है जिंक का टू है ना, ठीक है। उसके बाद क्या है HgO भी जानते हो मर्करी ऑक्साइड, हाँ माइनस टू प्लस टू, तो मर्करी का बैलेंस कितना हो गया टू, इसलिए सबको ग्रुप टू में रखा गया, जिसका जिसका बैलेंस ही टू है सबको ग्रुप टू में रखा गया। लेकिन उस जमाने जितना भी बैलेंस ही निकला वो सब हाइड्राइड से निकला और ऑक्साइड से निकला, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या था, RH और R2O, इसके लिए क्या है जनरल फॉर्मूला RH2RO, ठीक है। आगे बात सुनने क्लियर। अब देखो यहां भी है दोनों अलग अलग रखा गया, इसका भी बैलेंसी टू है और इसका भी बैलेंसी टू है, लेकिन ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, क्यों अलग ग्रुप है, बैलेंसी सेम होते हुए भी केमिकल प्रॉपर्टी दोनों का डिफरेंट है, समझे। आई बात समझ में, ये सब क्या है नॉर्मल एलिमेंट है और ये सब जो है ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये सब नॉर्मल एलिमेंट है, नॉर्मल मेटल है, और ये जो है ना बहुत ही महंगा मेटल,
डी ब्लॉक एलिमेंट है, कलरफुल वर्ल्ड ये देता है, कलरफुल वर्ल्ड ये देता है, और ये सब कलरलेस देता है। समझ गए, ये सब कलरलेस वाला है, ये कलरफुल वाला है। समझे, दुनिया को कलरफुल बनाता है, ये दुनिया को कलरलेस रखता है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग है, आई बात समझ में। इसीलिए ग्रुप के अंदर भी सब ग्रुप हो गया, ये हो गया ग्रुप टू ए और ये हो गया ग्रुप टू बी, आ गया समझ में। इसी तरह से सबको क्लासिफाई करते जाना है, ठीक है ना। अब ये ग्रुप एट है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, आर ओ हो, ठीक है ना। अब ये क्या है, सेवन है, सेवन का क्या होगा जनरल फॉर्मूला, आर टू ओ सेवन, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है आर टू ओ सेवन का सी एल टू ओ सेवन, ये कंपाउंड, समझे कि नहीं है। तो अब ग्रुप सेवन का देख लेते हैं कुछ। ग्रुप सेवन में आएगा कौन, सबसे पहले आएगा फ्लोरीन, समझ गया। उसके नीचे आएगा क्लोरीन, उसके नीचे आएगा ब्रोमीन, ठीक है। अब ब्रोमीन के साथ उसी ग्रुप में आएगा मैग्नीशियम मैग्नीज। अब देखो ये नॉन मेटल है, मेटल है, दोनों एक ही ग्रुप, डिफिकल्ट सिचुएशन हो गया कि नहीं। ये नॉन मेटल है और मेटल है, दोनों का बैलेंसी सेम नजर आ रहा है उसमें के हिसाब से, तो ये भी करना पड़ेगा ना, ठीक है। आयोडीन और इधर हो गया टीसी, ठीक है, इधर हो गया एटी एक्मियम और दूसरे तरफ है, समझ गए। यहाँ भी देखो दो ग्रुप मिल गया कि नहीं, हाँ। इसका भी वैलेंसी सेवन है, इसका भी वैलेंसी सेवन है, लेकिन दोनों में सिमिलैरिटी नहीं है। ये सब के सब नॉन मेटल है और ये सब के सब मेटल है, ये सब मेटल है, काफी महंगा मेटल है, समझ गया, बुलेट प्रूफ में यूज होता है, ठीक है। लेकिन दोनों का प्रॉपर्टी सेम नहीं है, तो अलग अलग ग्रुप में रखना होगा, लेकिन बैलेंसी सेम है तो अलग ग्रुप बना नहीं सकते, ग्रुप तो सेवन ही बनेगा। तो सेवन को हम लोग क्या किया, दो पार्ट में बांट दिया, ए एंड बी में। इसी तरह सिक्स बी फाइव बी फोर बी थ्री बी सब दो दो पार्ट में बटा हुआ है, ए एंड बी में, हम बीच में लिखे नहीं, ठीक है, समझ गया ना। आ गया यहाँ, इतना बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर। वैलेंसी के आधार पर एट ग्रुप बना था, बाद में जब इनर्ट गैस आया तो जीरो ग्रुप बन गया, ठीक है। इनर्ट ग्रुप में सबसे पहले कौन आएगा, हीलियम आएगा, उसके बाद कौन आता है, हीलियम के बाद नियन आएगा, नियन के बाद क्रिप्टन आर्गन है, ठीक है, समझ गया। इस तरीके से ये सबसे लास्ट में बाद में जुड़ गया, ये पूरा पब्लिश हो चुका था, सब लोग एक्सेप्ट कर चुके थे, तब बाद में जीरो ग्रुप आया, जब इनर्ट गैस का इन्वेंशन हो गया तब ये यहाँ पर आ, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हो गया। अब इसका यूज क्या है, इसका सबसे पहला यूज क्या हुआ, पढ़ना लिखना आसान हो, पहला फायदा क्या हुआ, एडवांटेज इस पीरियोडिक टेबल का, फर्स्ट एडवांटेज क्या हुआ कि पढ़ाई लिखाई आसान हो गया, कम मेहनत में ज्यादा पढ़ाई कर लिए। लिथियम के बारे में पढ़ लिए तो हम इस सब के बारे में पढ़ लिए, 90% हमको मालूम हो गया इस सब के बारे में, इसमें से किसी एक के बारे में पढ़ेंगे तो 90% नॉलेज हो गया सबके बारे में। उसी तरह से हम पापा को पढ़ लेंगे तो ये सब के बारे में नॉलेज हो गया,
आसान हुआ कि नहीं पढ़ाई लिखाई, ठीक है। और ये जो जगह खाली है इसके बारे में भी आइडिया हो गया कि यहाँ पर जो भी आने वाला है उसका प्रॉपर्टी इसी तरह का होगा। तो जब हम रिसर्च करेंगे तो वो प्रॉपर्टी दिमाग में बैठा हुआ यही आना चाहिए, यही आना चाहिए, यही आना चाहिए, तो फटाफट डिस्कवरी हो। तो पहला एडवांटेज क्या हुआ, पढ़ाई लिखाई आसान हो गया, ठीक है ना, नॉलेज गेन करना आसान हो गया। उसका दूसरा एडवांटेज हुआ कि इनको जहाँ जहाँ नहीं मिले खाली छोड़ दिए, जैसे खाली छोड़े नहीं, यहाँ भी खाली छोड़े, यहाँ भी खाली छोड़ दिया, छोड़े है ना, तो खाली जगह हम तो अभी बहुत खाली छोड़ दिए हैं, वो कम छोड़ दिए, ठीक है ना, है तभी तो मत समझना कि इधर भी खाली है इधर भी खाली है, वो हम पूरा लिखे नहीं है पीरियडिक पे, अपना बुक में देख लो, ठीक है ना, बहुत खाली जगह वो छोड़ दिए थे और खाली जगह छोड़ के ही बताए थे कि सूटेबल एलिमेंट हमको नहीं मिल रहा है। सूटेबल एलिमेंट का मतलब क्या हो गया कि जो जगह खाली छोड़े, जैसे ये जगह खाली छोड़े, यहाँ पर कौन आ सकता है जिसका वैलेंसी वन हो, है ना, आई बात समझ में, वही ना आएगा, और इससे मिलता जुलता जिसका कैरेक्टर होगा वही ना आएगा। अब यहाँ खाली छोड़ दिया है तो इससे मिलता जुलता कैरेक्टर वाला आएगा, आई बात समझ में, तो खाली जगह छोड़ के बोले जो भी खाली जगह है उसके लिए सूटेबल एलिमेंट हमको नहीं मिल रहा है। सूटेबल एलिमेंट खोजने क्या कारण था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास अरेंज किए थे, क्राइटेरिया क्या था इनका अरेंज करने का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक, क्राइटेरिया क्या है पहला, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, यही था ना क्राइटेरिया, यानी इधर से जब इधर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक मास, ऐसे इंक्रीज हो रहा है, फिर नीचे है फिर इंक्रीज हो गया, पहले लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर नेक्स्ट में उतरेंगे, ठीक है ना, और इस तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हमको अरेंज कर रहे हैं। दूसरा क्राइटेरिया क्या लिए थे, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में खाली बढ़ने से नहीं होगा, बढ़ने के बाद जो बगल में ग्रुप आएगा देखेंगे उससे मिलता जुलता कैरेक्टर है कि नहीं उसमें, तभी हम उसको उस ग्रुप में रखेंगे, अगर मिलता जुलता कैरेक्टर नहीं है तो हम वहाँ पर उसको नहीं रखेंगे। दोनों चीज़ सेटिस्फाई होना चाहिए, ग्रुप भी सेटिस्फाई होना चाहिए, पीरियड भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये तभी सेटिस्फाई होगा जब ये दोनों को हम लोग एक साथ कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कंसिडर करते हुए अरेंज किए, अरेंज करने में बहुत जगह उनको दिक्कत महसूस हुआ, बहुत जगह वो नहीं अरेंज कर पाए तो वो खाली जगह छोड़, क्योंकि उसके लायक एलिमेंट उनको नज़र नहीं आया, वो बोले ये जो खाली जगह छोड़ दिए ये खाली है ना, है भरा हुआ, दिखता खाली नहीं है, समझिए, मतलब इस दुनिया में वो एलिमेंट है, मतलब क्या हुआ, वो एलिमेंट इस दुनिया में है लेकिन हम लोगों को पता नहीं है, समझ गए ना, उसी को बोलते हैं एका, उनका लैंग्वेज जो है, समझ गए, शायद ग्रीक आदमी थे वो, हाँ ग्रीक ही शायद थे, हमको याद नहीं है, ठीक है, तो वो अपने लैंग्वेज में एका, एका मतलब दुनिया में है लेकिन मुझे मालूम नहीं, समझ गए ना, जो छोड़ दिया एका एका करके। तो साइंटिस्ट लोग जो है रिसर्च करना शुरू किए, रिसर्च करना शुरू किए तो सही में वो जितना जगह खाली छोड़े थे सब भर गया बहुत जल्दी, तो फायदा क्या हुआ, डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट बिकम वेरी फास्ट, पहले एलिमेंट जो है साल में एक आध मिलता है, कोई कोई खोज के आ जाता था सब में, दो चार साल में एक तो निकल गया, समझ गए, अब क्या तुरंत तुरंत डिस्कवर होने लगा, तो खाली जगह छोड़ दिए, सबके दिमाग में बैठ गया, खाली जगह छोड़ा भरो, क्वेश्चन आया फिल इन द ब्लैंक्स, हाँ क्वेश्चन हो गया साइंटिस्ट सब के लिए फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स भरना पड़ेगा ना, तभी नंबर मिलेगा, है कि नहीं, तो सब साइंटिस्ट कोशिश करने लगे, ये तो कुछ भी डिस्कवर नहीं कर पाए, अपने बना दिए पीरियोडिक टेबल, एक भी एलिमेंट वो डिस्कवर नहीं किए,
सब दूसरे डिस्कवर कर दिया। लेकिन इनका क्रेडिट क्या हुआ, इन्होंने कहा कि ये दुनिया में एलिमेंट है, पता नहीं, ठीक है ना। तो सब लोग कोशिश जारी किया, बहुत जल्दी बहुत सारे एलिमेंट का डिस्कवरी हो गया, यानी डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट वेरी फास्ट। पहले बहुत स्लो था और अब वेरी फास्ट हो गया। एडवांटेज हुआ कि नहीं कि नया नया एलिमेंट का डिस्कवरी बहुत जल्दी जल्दी हो गया, फास्ट हो गया, ठीक है। तो खाली जगह भर गया। इसके अलावा बहुत जगह उनको प्रॉब्लम हो रहा था कि प्रॉपर्टी मिले तो एटॉमिक मास को अरेंज करना दिक्कत हो जाए। एटॉमिक मास पर कंसीडर कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर्टी अरेंज नहीं हो पा रहा है, मतलब कहीं उसको मिल ही नहीं रहा है जगह, सूटेबल जगह मिल ही नहीं रहा है पीरियोडिक टेबल। तो वो क्या कहें, ये सबका एटॉमिक मास रॉन्ग है, समझ गया। जिसको जिस एलिमेंट अवेलेबल है लेकिन इस पीरियोडिक टेबल में उसको जगह नहीं दे पा रहा, तब उन्होंने कहा ये सारे एलिमेंट का एटॉमिक मास रॉन्ग है, जो एटॉमिक मास हमको बताया गया है वो सही नहीं है। फिर शुरू हो गया, क्वेश्चन नया आया, एटॉमिक मास रॉन्ग है, करेक्ट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना शुरू किए साइंटिस्ट लोग, सॉल्व किए तो उसमें सबका रॉन्ग था, एटॉमिक मास गॉट करेक्टेड, तीसरा एडवांटेज, लॉट ऑफ एटॉमिक मास गॉट करेक्टेड, जब करेक्शन हो गया तो ठीक से अरेंज हो गया, तो तीसरा एडवांटेज मिला ना, आई बात सुन में। तो ये सब एडवांटेज हुआ। उसके बाद इसी बीच में डिस्कवर हो गया इनर्ट गैस, इसी बीच में डिस्कवर हो गया इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के लिए कुछ डिस्टर्बेंस नहीं आया, कुछ लोग बोला हम इधर रख देते हैं, कुछ लोग बोला इधर रख देते हैं, दोनों तरफ रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ बोल रहा था नहीं यहाँ रखो, वन के पहले कुछ साइंटिस्ट बोले नहीं इधर चलते रहा, आज तक चलिए रहा, कोई बोलता इधर रखें तो उनका उधर रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे इधर रखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जीरो है क्योंकि उसकी बैलेंस ही जीरो है और ये किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। या तो इधर रखेंगे या इधर रखेंगे, बीच में जाएंगे तब ना इधर ही भगा देगा, इसको इधर भगा देगा, तो सब डिस्टर्ब है, यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए ए भी एडवांटेज हो गया, एकोमोडेशन ऑफ जीरो ग्रुप, एकोमोडेशन ऑफ इनर्ट गैस विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ये सारा चीज जो है एडवांटेज मिला, समझ गए ना। और उसके बाद उन्होंने तीन एलिमेंट के बारे में बताए थे, उस तीन एलिमेंट के को का नाम भी वो बताए थे, एक है एका एल्यूमिनियम, दूसरा है एका सिलिकॉन, है ना, एका एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम ग्रुप में होगा, ठीक है, एका सिलिकॉन मतलब वो सिलिकॉन के नीचे है, एका एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे है। एल्यूमिनियम मिलता जुलता प्रॉपर्टी का लिस्ट वो बना दी है कि जब भी डिस्कवर होगा ना यही प्रॉपर्टी आएगा। उसके बाद बदला है एक और एका ए सिलिकॉन, यानी वो सिलिकॉन के नीचे है, सिलिकॉन के आसपास है, इसलिए सिलिकॉन से मिलता जुलता नाम दे दिया एका सिलिकॉन, ठीक है, उसका भी डिस्कवरी हुआ। एका एल्यूमिनियम जब डिस्कवर हुआ तो उसका नाम पड़ा गैलियम, जो साइंटिस्ट डिस्कवर किए थे उनके नाम पड़ा, ठीक है। उसके बाद जब एका सिलिकॉन डिस्कवर हुआ तो उसका नाम पड़ गया जर्मेनियम, से अपना नाम दे दिए। लेकिन जो इन्होंने प्रॉपर्टी बताया था ना, सेम प्रॉपर्टी मिला 100%, तो एडवांटेज हुआ कि नहीं, हा? बिना कुछ किए बिना प्रैक्टिकल किए हम बता दिए कि भाई यही सब होगा, और जब आया सामने तो वही सब हो रहा, तो एडवांटेज हुआ कि नहीं, हा? तो ये सारा एडवांटेज है। तो आज एडवांटेज पढ़ लिए, नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे डिसएडवांटेज, तो हम ना रिजेक्ट करेंगे इसको, ऐसे तो रिजेक्ट नहीं कर सकते, कारण बताएंगे तब तो ऐसे फेंक देंगे, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है, तब सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, दिक्कत है।